जनपद हापुड़ के बाबागढ़ क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर निवासी और युवा वैज्ञानिक मोहम्मद नदीम के द्वारा दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखी भौतिक विज्ञान पर आधारित कविताओं को विज्ञान प्रसार भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जगह दी है। विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक सचिन नरवड़िया ने प्रशंसा करते हुए नदीम को एक किताब भेंट की। बता दें कि मोहम्मद नदीम की कविताओं को विज्ञान प्रसार के संग्रहालय में लगाया जाएगा। नदीम इससे पहले विज्ञान क्षेत्र में अनेकों अवार्ड जीत चुके हैं। कुछ दिन पहले नदीम को राष्ट्रीय अनुवेक्षक नामित किया गया था। मेरा नाम मोहम्मद नदीम सनो मोहम्मद रफीक, ग्राम नली हुसैनपुर, जिला हापुड़, थाना बाबूगढ़। मैं MSc भौतिक विज्ञान मेरठ कॉलेज मेरठ से कर रहा हूँ, जिसमें जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ अभी। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक प्रोजेक्ट जिले से लेके गांव से लेके राज्य स्तर तक मैंने कई अवार्ड जीते हैं। और इसके चलते मैंने दो कविताएं लिखी थी हिंदी और अंग्रेजी में, जिसमें भौतिक विज्ञान उनका सब्जेक्ट था। और आज मुझे दो कविताओं का सिलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विज्ञान प्रसार में हो गया है। उसका मार्गदर्शन सचिन नरवड़िया वैज्ञानिक सर कर रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने उसके बारे में बताता हूँ। ये जो पहला है विज्ञान की उड़ान, एक विज्ञान अनेक उपहार, जिसमें भौतिकी हैरानी, एक भौतिक से रिलेटेड, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड ये कविता लिखी है हिंदी और इंग्लिश में। फ्लाइट ऑफ साइंस, ये भौतिक विज्ञान की इंग्लिश में है, फ्लाइट ऑफ विज्ञान की उड़ान। और एक ये है हमारी विज्ञान की तकनीकी मंजिल, विज्ञान का एक छोटा सा ज्ञान मानव को कराता तकनीकी पहचान। मानव विज्ञान की तकनीक से ही आज इतना ऊपर पहुंच पाया, चांद से सूरज तक, सूरज से चांद तक और धरती से आसमान तक। आज हमें अनेकों उपलब्धि मिली है, जिससे हम अपने जीवन को आसान कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि हम इसी तकनीक के साथ रहे तो आने वाले टाइम में हम नए नए प्रोजेक्ट और नए नए आविष्कार करके देंगे, और हमारा देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और बढ़ने के साथ साथ हमारा विकास बढ़ेगा और हम जैसे युवा होगा, रोजगार बढ़ेगा।